महाराष्ट्र टू व्हीलर गैराज ओनर्स एंड मैकेनिक फेडरेशन की ओर से उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत। टू व्हीलर आज की वक्त में सामान्य वर्ग से उच्च ब्रू वर्ग तक सबकी महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है। टू व्हीलर न कि सिर्फ एक वाहन है बल्कि मनुष्य के जीवन के छोटे छोटे सफर का साथी बन गया है। बदलते समय में मैकेनिक की जरूरत को पहचानते हुए 1991 में श्री राजेंद्र घुलेजी ने अपने सहकारियों के साथ महाराष्ट्र की पहली सोलापुर टू व्हीलर गैराज ओनर्स एंड मैकेनिक एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद सन 2012 में घुलेजी ने महाराष्ट्र फेडरेशन की स्थापना की। महाराष्ट्र टू व्हीलर गैराज ओनर्स एंड मैकेनिक फेडरेशन ये एक दर्ज की गई सामाजिक सेवा संस्था है। फेडरेशन के उद्देश्य: टू व्हीलर गैराज ओनर्स एवं मैकेनिकों को संगठित करना, मैकेनिक और गैराज मालिकों को उन्नत आधुनिक तकनीक प्रदान करने के साथ ही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, अभ्यास दौरों का आयोजन करना, ऑटो टू व्हीलर मैकेनिक और गैराज मालिकों के लिए आवश्यक उपकरण और आधुनिक मशीनरी प्रदान करना, देखभाल और सेवाएं प्रदान करना, ऑटो टू व्हीलर मैकेनिकों में एक रूपता लाना, व्यवसाय में समान बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों के लिए मार्गदर्शन और कार्यक्रमों का आयोजन, प्रदूषण, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रदर्शनियों, मेलों, शिविरों और सम्मेलनों का आयोजन, मैकेनिक और गैराज मालिकों की व्यावसायिक और सामाजिक स्थिति और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों को लागू करना और उन्हें चिकित्सा सेवा देना, ऐसे अनेक उद्देश्यों के साथ फेडरेशन आगे बढ़ रहा है। सन 2012 तक राज्य में सिर्फ 4 या 5 शहरों में मैकेनिक एसोसिएशन कार्यरत थे, लेकिन फेडरेशन की स्थापना के बाद श्री राजेंद्र घुलेजी ने और पदाधिकारियों के साथ अथक परिश्रम और प्रयास करते हुए ज्यादा से ज्यादा शहरों में मैकेनिक एसोसिएशन की स्थापना की और आज के तारीख में राज्य में लगभग 32 एसोसिएशन फेडरेशन के मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हैं। फेडरेशन मैकेनिक को नए टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण, गैराज का विकास और आधुनिक करना। वाहन कंपनियों के प्लांट विजिट। स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण। मैकेनिक के उन्नति और सामाजिक स्तर ऊंचा करना, राज्य के सभी गैराज ओनर्स का संगठन बढ़ाना, ऐसे विविध कार्यक्रम और उपक्रम फेडरेशन पिछले 10 साल से लगातार करते आ रहा है। इस प्रयास में 2019 से 2024 के लिए चुने गए कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी घुले, कार्याध्यक्ष संतोष बैरगोन, उपाध्यक्ष संतोष पवार, उपाध्यक्ष सैयद चांद भाई, उपाध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, उपाध्यक्ष रविंद्र लोंढे सर, जनरल सेक्रेटरी सुनील इंगड़े, खजींदार बादशाह शेख, जॉइंट सेक्रेटरी नितिन किरवे, डायरेक्टर भरत झामरे, डायरेक्टर गजानन लंबे, इनका महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है और सब परिश्रम कर रहे हैं। विश्व में भारतीय ऑटो टू व्हीलर उद्योग बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है।
टू व्हीलर वाहन बिक्री में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस टू व्हीलर रिपेयरिंग सेवा क्षेत्र उद्योग में महाराष्ट्र में हमारे प्राइवेट वर्कशॉप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस फेडरेशन के कार्य क्षेत्र में लगभग 45,000 वर्कशॉप्स और गैराज है जो ग्राहकों को शहर और ग्रामीण भाग में वाहनों की मरम्मत और देखभाल की सेवा देते हैं। इस क्षेत्र के व्हीकल कंपनियां और कंपोनेंट कंपनियों से ज्यादा लाभ मैकेनिक को मिलने के लिए मैकेनिक के बड़े और मजबूत संगठन की जरूरत को समझते हुए महाराष्ट्र फेडरेशन के पदाधिकारी और अध्यक्ष राजेंद्र जी घुलेजी ने पहल की और 26 जनवरी 2020 को चेन्नई में ऑल इंडिया टू व्हीलर मैकेनिक फेडरेशन की स्थापना हुई। इस फेडरेशन की स्थापना करने में श्री राजेंद्र घुलेजी और महाराष्ट्र फेडरेशन ने मुख्य भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के साथ गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी इन राज्यों के एसोसिएशन भी शामिल हुए हैं और भविष्य में बाकी राज्यों में भी एसोसिएशन शुरू करने का प्रयास रहेगा। महाराष्ट्र के सभी शहर और ग्रामीण स्तर के गैराज ओनर्स और मैकेनिक्स को हाईटेक प्रशिक्षण देने के साथ साथ नए उपक्रमों का आयोजन हम करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। इस माध्यम से ग्राहकों को उच्चतम सेवा देना यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। महाराष्ट्र टू व्हीलर गैराज ओनर्स एंड मैकेनिक फेडरेशन इस संस्था का कार्य, उद्देश्य और उपक्रम महाराष्ट्र के सभी शहर जिलों में ज्यादा से ज्यादा गैराज ओनर्स और मैकेनिक तक पहुंचे यही हमारा प्रयास है और भविष्य में भी रहेगा। धन्यवाद।